पाकिस्तान हमारा घर है, ये हमारी धरती माँ है। कृष्ण भगवान ने भी जी अमानस का दर्स दिया है, इंसानियत का दर्स दिया है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने पाकिस्तान पर बहुत फ़ख्र है, अपनी जान पर। पाकिस्तान में हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल है, हमारे बेटियां महफूज हैं यहाँ पे। दोस्तों, मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्री कृष्णा मंदिर लाहौर में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं काशी राम जी, यहाँ पुजारी हैं। इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ कब से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इनके अबाओ अजदाद का ताल्लुक कहाँ से है। इनको पाकिस्तान में रहते हुए कोई मुश्किलात वगैरह, उस पर आज हम बात करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। मेरे जी तकरीबन 13-14 साल हुए ये इस मंदिर में। तो जब से मैं आया हूँ, मेरा नाम है पुजारी काशीराम। तो मैं फैमिली के साथ विद फैमिली यहाँ पे रहता हूँ। मेरे दो बेटियाँ, एक बेटा है। तो आज तक हमने कोई ये सब ऐसी बात नहीं देखी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है, ये हमारी धरती माँ है, हम इधर पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, दिवाली, होली, जन्माष्टमी। तो इस त्यौहारों पे हमारे साथ गवर्नमेंट बहुत वो करती है, तावन करती है। हमारी मिठाई का, हमारे लंगर का जितना प्रबंध है, सिक्योरिटी का, वैसे भी हमें सिक्योरिटी दी हुई है यहाँ पर। तो जैसा कि इंडिया में हो रहा है अकलियतों के साथ, खासकर मुसलमान भाइयों के साथ ही नहीं होना चाहिए ये बात, अमन के साथ दोनों मुल्कों को रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे त्यौहार होते हैं, हमें पूरी सिक्योरिटी दी जाती है। और पाकिस्तान में अकलियत हम अपने आप को नहीं मानते, हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने पाकिस्तान पर बहुत फ़ख्र है, अपनी जान पर, और ख़ासकर अपनी पाक फौज पर कि वो हमारी हिफाजत करती है। और पाकिस्तान की मिसाल एक गुलदस्ते की तरह है, इस गुलदस्ते में तमाम रंग, तमाम मज़हब के रंग बसते हैं। तो एक गुलदस्ता है, एक दीवार है, कोई भी इसको ना समझे कि ये अकेले हैं हम। काशी राम जी, आपका आबाई इलाका कौन सा है? हमारा गांव जी ज़िला बड़ग्राम है, ये तकरीबन मानसेरे से 2 घंटे के आगे का है। तो मेरी बाकी फैमिली वहाँ पर रहती है, वहाँ पर हमारे तकरीबन 40-50 घर हैं। तो पाकिस्तान में आप कब से रिहाइश पजीर हैं? ये तकरीबन जब से ये पाकिस्तान बना है, सन 1947 से। अच्छा, आप पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान में ही थे? हाँ, यहाँ पे ही रह गए थे। हाँ जी, ठीक है। फिर वापस जाने का आपने फैसला नहीं? आप क्या समझते हैं आपका वापस ना जाने का जो फैसला था वो दुरुस्त साबित हुआ? अच्छा साबित हुआ, क्योंकि जी यहाँ पे खुश हैं हम, नौकरियाँ मिल गई हैं हमें, बच्चों को। दूसरा ये कि पढ़े लिखे हैं, अच्छा है माहौल, अच्छा है। इंडिया में यो बात नहीं है, भाई भाई का नहीं है। और यहाँ पे पाकिस्तान में हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वैसे हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं जी पाकिस्तान में ये हो जाएगा, पाकिस्तान में वो हो जाएगा। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, जैसा कि लोग सुनता है। काशी राम जी, जो बातें अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया पे सामने आती हैं कि पाकिस्तान में अकलियतों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं? देखो जी, हर एक इंसान का अच्छा बुरा होता है। वो क्या होता है कि उसको मजहबी रंग दे देते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे बेटे का कोई लड़ाई झगड़ा माले में हो जाए तो मैं उसको क्या करूँ कि मैं उसको मज़हब का रंग दे दूँ? तो ये बात तो सही नहीं है ना। एक घर में होता है, उसमें दो बर्तन धड़कते हैं, आपस में टकरते हैं। तो ऐसी ये कोई बात नहीं है कि हम आज जैसे भी इंडिया में मुसलमानों को घरों से निकाल के मारते हैं, उनके माल दौलत को लूटते हैं। तो ऐसे हमारे पाकिस्तान में मैंने अपने पैदाइश में नहीं देखा। और हमारे नौकरियां मिलती हैं, हमें जॉब मिलती है, और हमारे बेटियाँ महफूज हैं यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने नहीं देखा। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो? नहीं नहीं जी, मेरा बेटा अब भगवान के हुक्म से 5वीं क्लास में है। तो उनके टीचर हो गए, जितना हो गए, इतना प्यार देते हैं उनके साथ उनको कि कभी बच्चा कोई इस तरह महफूज नहीं किया बच्चे ने। कभी हॉस्पिटल्स में गए हो, वहाँ किसी इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता हो कि ये अकलियत है, इनको छोड़ दो, मुसलमान है उनको पहले देख लो? नहीं नहीं सर, बात ये, हम CMH जाते हैं फौजी अस्पताल, तो वहाँ पे डॉक्टर इतना प्यार करते हैं, मैं ख़ुद भी मारता है हेपेटाइटिस का, तो जब भी जाता हूँ ये गोलियाँ दवाई वगैरह के लिए CMH, तो बहुत बड़ा प्यार करते हैं। और दफ्तर वाले हमारा सारा खर्चा बर्दाश्त करते हैं। आजकल जो
कुछ इंडिया में हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? बात यह है जी कि हमारे कृष्ण भगवान ने भी जी अमानस का दर्श दिया है, इंसानियत का दर्श दिया है कि पड़ोसियों के साथ अमन के साथ रहो। तो देखो अब इंडिया को नहीं करना चाहिए ऐसा, अमन से रहे ताकि ये दुनिया चलती रहे। ऐसे करोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना उधर कुछ रहेगा ना इधर कुछ रहेगा। अच्छा, यहाँ आपके जो त्यौहार आते हैं उनको आपको मनाने की मुकम्मल मजहबी आज़ादी है या कहीं आपको मखसूस किया जाता है कि आप सिर्फ इस जगह रहते हैं? नहीं नहीं, हमें मुकम्मल आज़ादी है, अपने घरों में भी हम करते हैं, ख़ासकर दिवाली के जो त्यौहार है। और यहाँ पे तमाम मज़ाहब के हमारे साथ शरीक होते हैं, हम अपने अपने आप को अकेला नहीं समझते। मौलाना हजरात होते हैं, इसमें क्रिश्चियन भाई होते हैं, सिख भाई होते हैं, और मीडिया इतना होता है, मीडिया आज़ाद है और वो सारे देखती है, बाई डायरेक्ट दुनिया देखती है। तो बहुत खुशी होती है हमें हर एक त्यौहार पर। हमारे वक्फ बोर्ड, हमारे मुतरुका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं तारक साहब और फराज साहब, वो ख़ासकर चेयरमैन साहब बहुत तवज्जो देते हैं। अभी ये इंडियन यात्री आए थे उसके लिए उन्होंने स्पेशल फ़ंड जारी किया हुआ था और हर त्यौहारों पे करते हैं। तो कैसे हम कहें कि यार हम यहाँ पर खुश नहीं हैं? खुश हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते।